अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। और यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी, लाइक अ देसी स्टाइल ऑफ ऑमलेट। और आज जिस टॉपिक में बात करने वाली हूँ, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कि इज़्ज़त बनाने के बाद ना सबसे बड़ा सामना हमें हसद का होता है, एंड बी रेडी फॉर दैट। तरक्की करना है ना तो दिल बड़ा कीजिए, जिगरा बड़ा कीजिए। और आजकल तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसका सभी गर्ल्स को सामना करना पड़ता है, गर्ल्स लड़कियां हों कि औरतें हों, कि आधी से ज़्यादा फैमिली ख़ानदान यही बोल रहा होता है कि लड़की को क्यों पढ़ा रहे हो या औरत क्यों कमाने बाहर जा रही है, करना ही क्या है, हांडी चूल्हा ही तो करना है। और यही हांडी चूल्हा करने वाली औरत पूरे ख़ानदान को संभाल सकती है। और जब ऐसा कहते हैं ना, अगर उनकी खुद की तारुफ पूछी जाए ना कि आपका खुद भाई क्या करते हैं आप, तो पता है कैसे तारुफ करवाएंगे, बोलेंगे वो जो हमारा बड़ा भाई है ना, वो सऊदी में काम कर रहा है, दुबई में काम कर रहा है। लो जी, खुद का कोई तारुफ ही नहीं है, मतलब खुद की कोई पहचान ही नहीं है, तारुफ भी करवा रहे हैं तो भाई का ही पड़ोसी का। अरे खुद की इतनी पहचान बनाओ कि लोगों को तारुफ करवाते हुए आपको भाई या किसी दोस्त पड़ोसी का सहारा ना लेना पड़े। वो कहते हैं ना कि महंगा वो होगा जो महंगा बना है, और सस्ता वो बिकेगा जो सस्ता है। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अपनी वैल्यू को खुद डिफ़ाइन करें, और इसका एक ही तरीका है, और वो है काबिलियत। अगर आपके पास काबिलियत नहीं है ना, आपके हाथ में करोड़ों रुपए भी आ जाए ना, आपको समझ नहीं आएगी इसका करना क्या है। और जो काबिल है ना, अगर उसको हम हज़ारों भी दे देंगे, हज़ारों को लाखों करोड़ों में कन्वर्ट कर देगा वो इजीली। तो आपको ख़ुद को इस काबिल बनाएं, इतना स्ट्रांग भी बनाना है। तो उसके लिए क्या होता है कि ख़ुद को इस काबिल बनाएं कि आपको अगर कोई मुश्किल भी आ जाती, ज़ाहिर इस काबिल बनने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो परेशानी भी आए, अपने बैड लक की आँखों में आँखें डाल के कह सकेंगे यस आई कैन, मैं कर सकती हूँ, देख लेंगे यार ऐसे भी क्या चीज़ है, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में आपके कुछ अच्छे दोस्तों का साथ भी होना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, लेकिन दोस्त ज़्यादा किरदार अदा करते हैं इस सारी सिचुएशन में, ठीक है, होता है। तो उससे क्या होता है, जब ऐसे अच्छे दोस्त, मुखलिस दोस्त आपके साथ होते हैं ना, ज़रूरी है कि वो पैसों से आपकी हेल्प करें, अरे यार सिर्फ साथ होना ही बहुत होता है। तो वो क्या कहते हैं, वो जब आप परेशानी में हो ना, तो चेहरा उतरा हुआ हुई, उतरी हुई आवाज़ है, उतरा हुआ चेहरा देख के भी कह देते हैं, अरे यार नॉट अ बिग डील यार, हो जाएगा, मैं जानता ना तू इसे कर सकता है, तू कर लेगा, तू कर सकता है। उस वक्त के बैड टाइम को, बैड लक को भी गुड लक में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है, और ख़ुद को इस काबिल बनाइए, दैट्स इट। एंड आई होप सो कि आपको कुछ तो समझ आई होगी, एंड आप इस बात से एग्री करते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलूंगी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल, फी अमानिल्लाही।